हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू का इंग्लिश का यूनिट 9 का स्टोरी, जिसका नाम है द मैजिक पॉलिश पॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल, एक बार वहां पर थी एक छोटी सी लड़की नेम्ड तारा, जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विद हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। They were very poor, वो बहुत गरीब थे, वे दोनों बहुत गरीब थे। One day she went to a forest, एक दिन जो तारा थी वो एक जंगल में गई। There she met an old woman, वहां पर वो मिली एक बूढ़ी औरत से। The old woman gave her a pot, जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को एक पॉट दिया। She said, उसने कहा, This is a magic pot. ये एक magic pot है। It will cook porridge for you. ये तुम्हारे लिए खीर बनाएगा। When you say, जब तुम कहोगी cook pot cook, जब तुम कहोगी cook pot cook, तब ये तुम्हारे लिए बनाएगा खीर। It will stop making porridge. ये porridge बनाना बंद कर देगा। When you say, जब तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप, जब तुम कहोगी रुक जाओ पॉट रुक जाओ, तब ये रुक जाएगा, ये खीर नहीं बनाएगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर, वो अपनी मम्मी के पास दौड़ कर गई और उसने कहा, शी सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, मम्मी अब हम लोग ज्यादा देर तक हंग्री नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। हंग्री मतलब भूखे। As I have got a magic pot, क्यों? क्योंकि मुझे एक magic pot मिल गया है, एक जादुई pot मिल गया है। तारा said to the pot, तारा ने pot से कहा, pot cook, पकाओ pot पकाओ। And the pot cooked porridge, और pot ने porridge बना दी। Her mother was very happy, उसकी मम्मी बहुत खुश थी। And they both ate porridge, और उन दोनों ने ही porridge खाई। One day when Tara had gone out, एक दिन जब तारा जो रहती है वो बाहर गई रहती है, her mother felt hungry, उसकी मम्मी को भूख लगती है। She said to the pot, वो pot से कहती है, cook pot cook, वो कहती है पकाओ pot पकाओ। The pot started cooking porridge, और pot cook करना चालू कर देता है, porridge बनाना खीर बनाना चालू कर देता है। After eating it, उसको खाने के बाद हर मदर से उसकी मम्मी कहती हैं, डू नॉट कुक पॉट, पॉट अब और मत बनाओ। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन पॉट जो रहता है वो नहीं रुकता, वो तो बनाता ही जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें क्या कहना चाहिए था, स्टॉप पॉट स्टॉप, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, डू नॉट कुक पॉट। सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, और जल्द ही जो पॉरिज थी वो जमीन में आकर इधर उधर फैलने लगी। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर ने फिर से चिल्लाया, वेट डू नॉट कुक एनी मोर, रुक जाओ अब तुम थोड़ा भी और मत पकाना। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन पॉट रुका नहीं। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलोड हर, जो मम्मी थी वो दौड़ कर घर से बाहर निकली, बाहर गई, और जो खीर थी वो भी इतना ज्यादा हो चुकी थी कि वो भी बाहर चली गई। सून देयर वाज पॉरिज एवरीवेयर, जल्द ही वहां पर हर जगह पॉरिज पॉरिज थी। द होल विलेज सॉ इट, पूरे गांव ने उसे देखा। दे रैन टू ईट द पॉरिज, वे दौड़ कर आए पॉरिज खाने के लिए। When Tara came back, जब तारा वापस आई, she saw that the road was full of porridge. उसने देखा कि रोड जो थी वो पूरी खीर से भरी थी। She ran home as fast as she could. वो दौड़ कर घर गई, इतना तेज दौड़ी वो जितना वो दौड़ सकती थी। She heard her mother shout. वो उसने सुना उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, Tara, the pot is cooking and it will not stop. तारा, जो पॉट है वो पकाए ही जा रहा है और वो नहीं रुक रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप, रुक जाओ पॉट रुक जाओ। एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरिज, और उसने पॉरिज बनाना रोक दिया, क्योंकि तारा को याद था कि क्या बोलना था, स्टॉप पॉट स्टॉप। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स। तो पहला है हमारा मैजिक यानी कि जादू, फिर है कुक यानी कि पकाना, फिर है हमारा पॉरिज यानी खीर, आप भी खीर खाते होंगे, फिर है स्पिलिंग यानी कि इधर उधर
फैलना, निकल के इधर उधर फैलना, जैसे आपका पानी ग्लास से इधर उधर निकल के फैल जाता है ना, उसी तरह से। फिर है फिफ्थ हमारा होल यानी कि पूरा। फिर है हमारा विलेज यानी कि गांव, उसमें था पूरा गांव है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।